सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत ईडी की कार्यवाही ने इस संस्था की कार्यशैली पर ही गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को एक मजबूत हथियार के रूप में जिन नेताओं और जिस सरकार ने ईडी जैसी ताकतवर संस्था का गठन किया, आज उन्हीं नेताओं को राजनीतिक एजेंडे के तहत कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल कर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्रियों के बयानों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह ईडी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हो। कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पूरा मान सम्मान करती है, परंतु क्योंकि सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है, इसलिए जहां पार्टी के दोनों नेता कानूनी प्रक्रिया में शालीनता से भाग ले रहे हैं, वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह का मार्ग अपना कर इसका राजनीतिक प्रतिउत्तर देने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्यवाही गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की निश्चित पराजय को देखते हुए महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसी युवा विरोधी नीतियों से जनता का ध्यान भटकाने और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की मंशा से की जा रही है, जिसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित कार्यवाही ने इस स्वायत्त संस्था की जो स्वायत्तता है उसके ऊपर ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसी पार्टी, उसके नेता, जिसकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार के रूप में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की स्थापना की, आज उसी पार्टी को और उसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत बदनाम करने की साजिश करते हुए उसी ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई ना केवल एक राजनीतिक एजेंडा सेट करके की जा रही है, अपितु हाल ही में जो निकट भविष्य में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, इस ईडी की कार्रवाई का एक कारण वो चुनाव भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो प्रायः निश्चित दिख रही है और इसी हार से बचने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ जैसी जो युवा विरोधी और जन विरोधी सरकार की नीतियां हैं जिनके प्रति देश की जनता में आक्रोश है, उससे ध्यान बटाने के लिए ईडी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और स्थापित जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा सम्मान करती है और राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी दोनों ने उस कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया में पूरी शालीनता के साथ भाग लिया और ले भी रहे हैं, परंतु क्योंकि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक एजेंडे के तहत ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए की जा रही है, इसलिए ये कानूनी लड़ाई होने के साथ साथ एक राजनीतिक लड़ाई भी है और कांग्रेस पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर इस राजनीतिक लड़ाई को भी सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर लड़ने का कार्य कर रहे हैं।